मोदी जी आपकी पाठशाही पे कुछ दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रहबर होना। मोदी जी तानाशाही का मतलब है राजा, और राजा ही तानाशाही दिखा सकता है। हमको सबका विश्वास है आपकी बार 400 पार पूरी सीट आएंगी। क्लीन स्वीप। It's election season and we are here at the smallest Lok Sabha constituency of New Delhi inside a BJP Jan Sabha. Let's find out what the people have to say about the upcoming polls. Ek mandir se pet pani bhara khali 370 hati hai abhi Pakistan ke kabze wala Jammu Kashmir bhi wapas aana kyunki ye dil mange aur iske liye Narendra Modi once हम तो ये चाहते हैं कि शिक्षा अच्छी हो, क्योंकि झोपड़ी हटा के पक्के मकान दिए जाए, और क्या होता है कि ये कानून व्यवस्था अच्छी हो, जब महिलाएं सुरक्षित रहें, कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के मुद्दों पे चुनाव होता है, लोकल मुद्दों पे चुनाव निगम पार्षदों के चुनावों में होता है, विधानसभा चुनावों में होता है, लोकल मुद्दे जो होंगे वो लोकल चुनाव में जाएंगे, राष्ट्र का सवाल है। ये अपना सनातन धर्म के लिए खेला जाएगा और कुछ नहीं। सीवर और पानी लोगों को स्वच्छ नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, अब तो नगर निगम में इनकी सरकार है फिर भी जगह जगह मलबे के ढेर हैं। ये तो हमेशा बरसाती मेंढक है। नहीं, विपक्ष जिन्होंने 70 साल से राज किया है वो उनका काम है, पहले वो मुस्लिमों को अपना जो है ना बंधुआ मजदूर समझते थे, आज वो उनसे जो है निकल चुका है, उनसे खिसक चुका है, इसलिए जो है ना वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। इंडी अलायंस जो है उसके नेता कैसे हैं वो खुद ही सबको पता है। हमें इस लाइक बना दिए हैं कि हम शान से खड़े होकर अपना शासन कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि हमारे राजा कौन है, मोदी सरकार। वो लाल किले जैसी प्राचीन मंदिर से खड़े होकर के कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और साथ में सबका प्रयास। वो वादे नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। बेटा हमारी तरफ से मोदी जी आएंगे ना भैया, बहुत अच्छा काम करेंगे। वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना।